अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉक्स। आज हम आपको लाए हैं जान निकल्सन कॉलम्स पर। अच्छा, ये जान निकल्सन कॉलम्स जो है, ये इसको जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये जान निकल्सन मोनूमेंट भी कहलाता है, जान निकल्सन ब्लेसिंग भी कहलाता है। इसकी बाकायदा एक हिस्ट्री है। ये जो है वो हमारे सीधे हाथ को अगर शांस दिखाएं तो ये जो है वो एक मीनार सा बना हुआ है, लेकिन ये खाली मीनार नहीं है, ये एक यादगार नहीं है, बल्कि ये जिस शख्स की याद में बनाया गया है, जिस शख्स के लिए एक ये जो है वो बनाया गया है कॉलम या यादगार, उस शख्स की अपनी एक हिस्ट्री है। आज हम आपको इस जो है वो मोनूमेंट के बारे में भी कुछ बताएंगे, और जिसकी याद में जो ब्रिगेडियर जनरल जान निकल्सन था, अंग्रेज़ी फ़ौज का जो है वो ऑफिसर था, जिसने जो है वो बहुत सारे किरदार अदा किए, उसकी मतलब शख्सियत के डिफरेंट पहलूज़ हैं, वो उन सारे पहलुओं के बारे में हम आपको बताएंगे कि उसकी डिफरेंट डायमेंशन जो थी वो क्या थी, वो कहाँ से आया और यहाँ बरेसगीर पाक हिंद में वो कितना अरसा रहा, उसकी खिदमात क्या थी, ये सारा कुछ हम आपको बताते हैं। ये हमारे साथ जो है ना वो रास्ता है जो ऊपर जाने के लिए है, तो आइए जो है ना वो हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलते हैं। ये पत्थरों से बना हुआ रास्ता है जो ऊपर तक जा रहा है, तो पहले हम ऊपर चलते हैं और फिर जो है वो आपको बताते हैं कि जान निकल्सन जो है वो कौन था, कहाँ पैदा हुआ, कैसे वो यहाँ आया, और ये यादगार जो है वो ये क्यों बनाई गई। तो हम ये पत्थरों से बना हुआ रास्ता है, 1868 में ये यादगार बनी थी, 1868 में ये यादगार बनी थी, यानी यूँ समझ लें कि इसको तकरीबन 250 साल अपना तकरीबन 150 साल मेरा ख्याल है बनते हैं, हाँ 150 साल हो गया इसको बने हुए। तो ये आज भी जो है वो मौजूद है जीटी रोड के एन किनारे, रावलपिंडी से जो जीटी रोड पेशावर जा रहा है या पेशावर से जो रावलपिंडी की तरफ आ रहा है, ये मार्गला दर्रा कहलाता है। कुछ लोग इसे दर्रा तरनौल भी कहते हैं, कुछ लोग इसे दर्रा मार्गला भी कहते हैं। ये एन उसके किनारे पहाड़ी पर बनी हुई है, रोज़ाना यहाँ से लाखों अफराद गुज़रते हैं, हज़ारों गाड़ियाँ गुज़रती हैं, लेकिन शायद ही उनमें से कोई शख्स ये जानता हो कि ये मीनार क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया और किसके लिए बनाया गया। तो आज हम आपको यहाँ लाए हैं एक तारीखी यादगार। अंग्रेज़ों का तो ये तारीखी विरसा है, लेकिन हमने इसकी जो है वो वैसे हिफाजत नहीं की जैसे जो है वो करनी चाहिए थी। तो ये अब हमारे बाएं हाथ को सीढ़ियां हैं, हम इन सीढ़ियों पर जाएंगे। आगे जो है वो एक ज़माने में एक तालाब जो है वो बनाया गया था, एक फवारा भी बनाया गया था इसकी याद में। हमें नहीं पता कि अब उसकी कंडीशन क्या है, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे, वो आपको दिखाएंगे भी, लेकिन पहले हम जो है वो ऊपर यादगार पर चलते हैं कि यादगार जो है वो कैसी है, अब उसकी क्या सूरत हाल है, और क्या हम अपने तारीखी विरसे की हिफाजत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ बरेसगीर पाक हिंद में बहुत सारी तामीरात की हैं, सिर्फ यही एक यादगार नहीं है, लेकिन जो है वो हम उनकी कोई हिफाजत नहीं कर पाए, हमने उनका ख्याल नहीं रखा। हम अपने आज का ख्याल नहीं रखते तो अपने कल का ख्याल क्या रखेंगे। तो आइए ऊपर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि जो है वो ये क्या है। ये जनाब इसकी सीढ़ियाँ हैं, और हम अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। अगर कहीं सांस फूल जाए तो ये समझ लीजिएगा कि चूँकि हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऊंचाई पर जाते हुए सांस तो फूलेगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको साथ साथ अपडेट करते रहें। लीजिए जी सीढ़ियाँ, अब ये तो नहीं पता है कि गिनती की कितनी सीढ़ी हैं, लेकिन सीढ़ियाँ आरामदेह बनाई गई हैं कि जो है वो आप आराम से जो है वो चढ़ सकें। हमारे यहाँ आमतौर पर रिवाज ये है कि एक स्टेप जो है एक एक फुट का बनाया जाता है, लेकिन ये कम से कम जो है वो दो कदम चलते हैं तो जो है वो स्टेप आता है। सफ़र हमारा बुलंदी की तरफ जारी है, ऊपर पहुँच कर हम आपको वो जीटी रोड भी दिखाते हैं, जिस जीटी रोड का के बारे में मैंने बताया कि यहाँ रोज़ाना लाखों अफराद गुज़रते हैं, लेकिन लोग यही देखकर गुज़र जाते हैं कि ये एक मीनार है, बस किसी को नहीं पता कि ये मीनार क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया और किसके लिए बनाया गया।
देखें जी, सारा व्यू बड़ा शानदार नज़ारा है, लेकिन हम अभी तकरीबन जो है वो करीब ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं रह गया, लेकिन व्यू बड़ा शानदार है। ऊपर पहुँच कर आपको और व्यू दिखाते हैं इसका। अच्छा जी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन की याद में एक मेमोरियल टावर बनाया गया, जिसका नाम रखा गया जॉन निकल्सन ऑब्लेसिक या जॉन निकल्सन मोनूमेंट। अब देखना ये कि जॉन निकल्सन था कौन, ऐसा उसने कौन सा कारनामा अंजाम दिया जिसकी वजह से जो है वो इतनी बड़ी यादगार जो है वो बनाई गई। 11 दिसंबर 1822 का जिक्र है, जब जॉन निकल्सन जो है वो अलेक्जेंडर जेफरे निकल्सन और क्लारा हॉग उसकी माँ का नाम और जेफरे निकल्सन उसके बाप का नाम, उसके घर पैदा हुआ आयरलैंड में। आयरलैंड का एक शहर है डबलन में ये पैदा हुआ, और ये उसके बाद इसका ख़ानदान जो है ये स्कॉटलैंड से हिजरत करके आया था। तो आयरलैंड में भी ये कहीं सुकून से नहीं बैठे, कभी एक शहर कभी दूसरे शहर, डबलन से ये लिस्बन आए। इसी जो है वो हिजरत के दौरान इसने तालीम हासिल की, मैट्रिक तक तालीम हासिल की। मैट्रिक से आगे ये नहीं पढ़ा। उस ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया पर जो है वो हुक्मरानी करती थी, और लोगों का एक क्रेज़ कह लें, ख्वाब कह लें, ड्रीम कह लें, ये ख्वाब होता था कि वो और कुछ ना करें, ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिम हो जाएँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये कहा जाता था कि ये चूँकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, और यहाँ से वो सोना लेकर जाया करते थे, और अंग्रेज़ जो पहले गुरबत की लकीर के नीचे जो है वो ज़िंदगी बसर किया करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से वो देखते ही देखते रातों रात अमीर से अमीर तरीन हो गए। यही ख्वाब जो है वो जॉन निकल्सन का भी था, तो लिहाजा जो है वो जॉन निकल्सन ने यह तय किया कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हो जाऊँ। लेकिन इतना आसान नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है ना वो डायरेक्ट को जाकर भर्ती हो जाता। ये उसकी किस्मत थी कि उसका मामू था जिसका नाम था डॉक्टर भी था, वो कहा जाता है कि वो वकील भी था, सर जेम्स वियर हॉग उसका नाम था, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो वकील था। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट उस ज़माने में जो है वो काम करती थी इंडिया में, वो उसका भी वकील था, और बाद में जो है वो तरक्की करते करते वो इंग्लिस्तान का मेंबर पार्लियामेंट बना। ये अपने मामू के पास गया और मामू को इसने जाकर कहा जी कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत करना चाहता हूँ। मामू ने इसकी सिफारिश की और इसे इंग्लैंड से जो है वो हिंदुस्तान बुला लिया, जो उस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान होता था। जॉन निकल्सन जो यहाँ आया और सबसे पहले जो इसका पड़ाव था वो था बंगाल। बंगाल में इसने कुछ अरसे की ट्रेनिंग हासिल की, और यहाँ से उसके सफ़र का आगाज़ हुआ। वो 16 साल की उम्र उसकी थी और वो टोटल 18 साल जो है वो इंडिया में रहा। बंगाल उसकी पहली जो है वो आप ये कह सकते हैं कि पहली मंजिल ज़रूर थी, लेकिन उसका सफ़र बहुत तवील था। उसने इन 18 सालों में जो उसने बर सगीर पाक हिंद में गुजारे, टोटल 3 जंगें लड़ी, जिनमें से पहली जंग जो है वो एंग्लो अफगान वार थी, यानी जो अंग्रेज़ों की अफगानों के साथ लड़ाई हुई थी वो थी। दूसरी दो जंगें जो है वो अंग्रेज़ों की सिखों के साथ लड़ाइयाँ थीं, और उसने इन तीनों लड़ाइयों में अपनी सतात से बढ़कर अपनी बहादुरी जो है वो दिखाई, और जो है वो इसी वजह से वो सिर्फ 34 साल की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर पहुंच गया। अच्छा, जब अफगानों के साथ लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त जो है वो ये गजनी में था। गजनी में इसकी पूरी जो है वो कंपनी थी, बटालियन थी, ये उसके साथ जो है वो गजनी में था।
लेकिन जब अफगान जो है वो जीत गए, उन्होंने जो है वो अंग्रेज़ों को शिकस्त दी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का ये रिकॉर्ड है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर और ये अमेरिका तक कोई भी अफगानिस्तान में अफगानों को शिकस्त नहीं दे सका। मिसाल आपके सामने है, पहले अलेक्जेंडर आया, वो भी अब बिल्कुल शिकस्त के करीब था, लेकिन वहाँ से वो जान बचाकर निकल आया। उसके बाद 1979 में रशिया आया, रशिया ने जो है ना वो 20 साल कोशिश की, लेकिन वो अफगानों पर हुकूमत नहीं कर सका। और अभी रिसेंटली पिछले साल जो है वो अमेरिका कई साल की लड़ाई के बाद अपने बचे कुचे फौजियों को लेकर अफगानिस्तान से बाहर निकला है। यही सूरत हाल अंग्रेज़ों की भी थी। अंग्रेज़ों ने अफगानों के साथ दो लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन अफगानिस्तान को वो अपने जो है वो बादशाहत का हिस्सा नहीं बना सके। तो मैं जैसे बता रहा था कि ये पहले गजनी में था, गजनी में इसकी फ़ौज को शिकस्त हुई। पहले इसने जो है वो हथियार डालने से इनकार कर दिया और ये कहा जी मैं हथियार नहीं डालूंगा, लेकिन अपने अफसर के कहने पर जो है वो कर्नल था, नाम मेरे जहन में नहीं है, उसके कहने पर इसने हथियार डाले। ये टोटल जो है वो 10 लोग थे जिन्होंने हथियार डाले, और कहा यह जाता है कि इसकी कंपनी के जो बाकी जो इंडियन सिपाही थे, इसके हथियार डालने के बाद उसके सामने उन लोगों के गले जो है वो काट दिए गए। कहा जाता है कि यही वो लम्हा था, यही वो मरहला था जब इसे इस्लाम से या अफगानों से नफ़रत हुई। कहा जाता है अफगानों से नफ़रत हुई, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इसे इस्लाम से नफ़रत हुई। इसका ख्याल ये था कि इस्लाम में सिर्फ जो है वो लोगों के गले काटे जाते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। अफगानिस्तान अपनी बका की लड़ाई लड़ रहा था, अपने मज़हब की बका की लड़ाई लड़ रहा था, और अंग्रेज़ चूँकि ईसाई थे लिहाजा ये अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अगर अफगानों ने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी तो वो ईसाइत की शिकस्त नहीं थी, वो इस्लाम की जो है वो फतह ज़रूर थी, लेकिन ये गासिब थे, इन्होंने जो है वो वहाँ पर कब्ज़ा किया और उन्होंने इसे शिकस्त दी। इसे कैदी बना लिया गया। 6 महीने तक जो है ये गजनी की जेल में जंगी कैदी रहा, और उसके बाद जो है वो इसे और इसके साथियों को जो है वो काबुल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, काबुल पहुंचकर अंग्रेज़ों और अफगानों के दरमियान एक माहदा हुआ और जो इनके कैदी थे उन्हें छोड़ दिया गया। अच्छा, इसी दौरान एक वाक़ और ये हुआ कि इसका छोटा भाई, उसका नाम भी इसके मामू के नाम पर जो है, सॉरी इसके बाप के नाम पर जो है, वो अलेक्ज़ेंडर था, वो भी फ़ौज में भर्ती होकर यहाँ आ गया। दर्रा खैबर में उसकी ड्यूटी थी और उसे ये एक फरीजा सौंपा गया था कि वो जो वापस आ रहे हैं कैदी काबुल से, वो उनकी हिफाजत करें। अच्छा, उधर से काबुल से ये लोग चले और यहाँ से पिशावर से आगे दर्रा खैबर तक जो इसका भाई जो है वो अलेक्ज़ेंडर पहुँचा। अच्छा, किस्मत का करना ऐसा हुआ कि ये लोग बाद में पहुँचे, अलेक्ज़ेंडर पहले पहुँचा। अफगानियों ने या कबायलियों ने इन अंग्रेज़ फौजियों पर जो अपने कैदियों को लेने के लिए गए थे उन पर हमला किया, और अलेक्ज़ेंडर जो है वो उस जंग में मारा गया। अच्छा, अब उस कहा यह जाता है कि उसकी जो कुचली हुई लाश थी, बहुत बुरी तरह उसकी लाश को जो है वो ह्यूमिलेट कर दिया गया था, उसे कुचल दिया गया था, वो सबसे पहले जो है वो लाश, कुचली हुई लाश जो है वो जान निकलसन ने देखी। और वहाँ से जान निकलसन के दिल में नफ़रत तो पहले ही पैदा हो गई थी, वो नफ़रत जो है वो शदीद तरीन बन गई, और यही वो मरहला था, यही वो बात थी जो उसके जहन में बैठ गई, और उसने एक और चीज़ तय कर ली कि जो है वो इस्लाम और ईसाइत की ये जंग है, और इस्लाम को हमने शिकस्त देनी है और ईसाइत की तबलीग करनी है। लिहाजा यहाँ से वो मोटिवेट हुआ, वो एक फ़ौजी से जो है वो मुबल्लिग बना, फौजी तो वह था ही, लेकिन उसके साथ साथ वो मुबल्लिग बन गया, और उसने ईसाइत की तरवीज का, तबलीग का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अच्छा, जो है वो जब ये वापस आया मतलब काबुल से, तो जाहिर सी बात है कुछ अरसा इसने जो है ना वो ट्रॉमा में गुजारा, या कुछ अरसा जो है ना वो यूँ कह लें कि सदमे में गुजारा। इसे जो है वो पहले पेशावर रखा गया और उसके बाद इंडिया के शहर मुरादाबाद भेज दिया गया। ये 2 साल का अरसा था। इस 2 साल के अरसे में इसने ये देखा कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है अंग्रेज़ों में और हिंदुस्तानियों में। ऐसा इस कम्युनिकेशन गैप को जो है वो पूरा नहीं किया जा सकता था। जाहिर सी बात है अंग्रेज़ जो है वो अंग्रेज़ी बोलते थे, और हिंदुस्तान में कोई लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं था, ना उस वक्त जो है वो अंग्रेज़ी इतनी मरवज थी। ये 1857 से पहले की बात है जब जंग आज़ादी जो है वो अभी तक नहीं लड़ी गई थी, और अंग्रेज़ों ने पूरे इंडिया पर कब्ज़ा भी नहीं किया था। उस वक्त हिंदुस्तान की ज़बान थी फारसी, और उर्दू मौला बहुत से इलाकों में बोली जाती थी। इसने पिशावर में तो उर्दू नहीं सीखी, लेकिन जब ये मुरादाबाद पहुंचा तो इसने जो है वो 2 साल में बाकायदा उर्दू पर अबूर हासिल किया, और जो है वो इसने जो है वो उर्दू सीखकर ईसाइत की तबलीग उर्दू में शुरू की।
मुरादाबाद के बाद जो है वो इसकी पोस्टिंग उन इलाकों में हुई जो आजकल के पंजाब हैं, जो आजकल का सूबा सरहद है, जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है। उस ज़माने में सूबे का कोई नाम नहीं था। जब ये इसकी पोस्टिंग यहाँ हुई तो जो है वो ये, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये फ़ौजी भी जो था ही, ये मुबल्लिग भी बना। उसके बाद जो है वो इसने बाकायदा सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और सियासत में हिस्सा लेने के लिए ये बहुत से लोगों के लिए नई बात होगी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जो पुराना नाम था उसका नाम था शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, यानी जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न जो है वो फ्रंटियर प्रोविंस NWFP। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो है बनाया गया, इसको बनाने में जॉन निकल्सन ने कलीदी किरदार अदा किया। इसने अफगानिस्तान के जो लोग थे वो और यहाँ के जो कबायली रहनुमा थे उन्हें इस बात पर कायल किया कि वो एक जो है वो सूबे में मुत्तहिद हो जाएं, और इसी की कोशिशों के नतीजे में NWFP का वजूद अमल में आया। वरना उससे पहले जो है वो ये NWFP का कोई वजूद नहीं था, ये सारा कबायली इलाका था। अटक तक इनकी अमलदारी थी और अटक से आगे सारे के सारे अफगान बैठे हुए थे और वो किसी सूबे को नहीं मानते थे, उनके अपने कबीले थे। वो अपने कबीलों के अब रस्म व रिवाज, उनके कवानीन, उनकी जो है वो जो है जो मामला थे वो सिर्फ कबाइल की हद तक थे, कबाइल के बाहर किसी का कोई इख्तदार नहीं था। सबसे पहली दफ़ा किसी एक प्लेटफार्म पर, NWFP के प्लेटफार्म पर या शुमाल मगरबी सरहदी सूबे के प्लेटफार्म पर जॉन निकल्सन ने उनको जमा किया। और अगर ये कहा जाए कि NWFP का बानी जो है वो यही जॉन निकल्सन था जिसकी यादगार पर हम आज खड़े हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। अच्छा, जॉन निकल्सन को इस इलाके में जब वो डिप्यूट था तो एक और जो है वो बहुत अच्छा मौका मिला। उसने जो है वो कुछ ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार की या कुछ ऐसे लोग उसके दोस्तों में शामिल हुए जो फौजी ही थे, लेकिन उन फौजियों ने जो है वो जॉन निकल्सन की तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा किया। उससे सारे के सारे सीनियर थे, मसलन उनमें से एक बंदा था जिसका नाम था जनरल मॉन्टगोमरी। अब जनरल मॉन्टगोमरी जो है वो आज का जो साहिवाल है उसका बानी था, और उसका पुराना नाम जो है वो उसी के नाम पर मॉन्टगोमरी रखा गया था, सर हेनरी मॉन्टगोमरी। अच्छा, दूसरा बंदा जो जिसने उसकी तरबियत की या जो जिसकी उसकी सोबत मुयसर हुई उसका नाम था विलियम हडसन। अब जो लोग तारीख से दिलचस्पी रखते हैं उन्हें ये पता होगा कि विलियम हडसन वो शख्स था जिसने 1857 में मुग़लों के आखिरी बादशाह ज़फ़र को अपने जो दादा परदादा थे हुमायूं उसके मकबरे में जाकर छुप गया था। बहादुर शाह ज़फ़र जब जंग आज़ादी शुरू हुई तो बहादुर शाह ज़फ़र अपने कुछ साथियों के साथ नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप गया था। तो विलियम हडसन ने माजरत, ये भी ज़ाहिर ज़िंदगी का हिस्सा है। तो विलियम ये हुमायूं जो है उस हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप गया था, तो विलियम हडसन ने इसका मुहासरा कर लिया था। और जो है वो बाकायदा इन लोगों के में मुज़ाकरात हुए। विलियम हडसन ने ये बाकायदा जो है वो एक तरह की ज़मानत दी थी कि बादशाह को गोली नहीं मारी जाएगी या बादशाह को कत्ल नहीं किया जाएगा। तो उसने जिस बंदे के हाथ पर गिरफ्तारी दी थी वो विलियम हडसन था। तीसरा बंदा जो उसके जो है वो कम्युनिटी में शामिल हुआ या जो या जिसकी कम्युनिटी में ये शामिल हुआ उसका नाम था मेजर जेम्स एबट। और आपको ये भी पता होगा कि मेजर जेम्स एबट जो है वो आज के एबटाबाद शहर का बानी था। आज का जो एबटाबाद है ये मेजर जेम्स एबट के हाथों का आबाद किया हुआ है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जॉन निकल्सन जो है वो किस पाए का ऑफिसर था और किस पाए के लोग जो है वो उसके ग्रुप में शामिल थे। अच्छा, ये सारे का सारा ग्रुप जो है वो यंग मैन ग्रुप कहलाता था, और इसको जो मतलब हेड करता था या जो इसका इंचार्ज था या जो जो है वो जो ये लोग जिस बंदे से इंस्पायर थे वो था जनरल मॉन्टगोमरी। तो ये मतलब इसको इन सब लोगों की जो है वो सोबत नसीब हुई। अच्छा, पहली जो जंग हुई सिखों के साथ उसमें भी इसने बड़े कारनामे अंजाम दिए, बहुत सारे सिखों को इसने मारा, बहुत सारी जगहों पर इसने कब्ज़ा किया। और जो है वो जब दूसरी जंग शुरू हुई जो 1848 और 1849 में हुई सिखों की, तो वो एक फैसला कुन लड़ाई थी। पहली जंग में तो सिख जो है वो उन्होंने शिकस्त नहीं खाई, लेकिन 1848 और 49 की जंग जो है वो सिखों के पंजाब पर इख्तदार की आखिरी जंग थी।
1849 वो साल है जब जो है वो अंग्रेज़ों ने पूरे पंजाब पर कब्जा किया और सिखों की अमलदारी सरदार जो है वो रणजीत सिंह ने जो एक जो है वो लेगेसी शुरू की थी, उस लेगेसी का खात्मा 1849 में हुआ और उस लेगेसी को ख़त्म करने में बुनियादी किरदार जॉन निकल्सन ने अदा किया। ये जिस जगह हम खड़े हैं जॉन निकल्सन की यादगार, ये शाहजरा दिखाइएगा इसको ऊपर तक, कहा जाता है कि 1849 में एन इस जगह सिखों की एक चौकी थी। ये ज़ाहिर है पहाड़ी इलाका है, ज़रा ये सीन दिखाइएगा जनाब चारों तरफ से, पता चले कि जो है ना वो जो है वो ये आपको नज़र आएगा, ये चारों तरफ पहाड़ियां हैं, ये इधर जीटी रोड है। उस ज़माने में ये जीटी रोड नहीं होता था, पुराना जीटी रोड हम आपको अभी दिखाते हैं। तो बल्कि आपने देख लिया जहाँ से हम चढ़कर ऊपर आए थे, जो पत्थरों की एक सड़क बनी हुई थी, शेरशाह सूरी का जीटी रोड बेसिकली वो था। और जो है वो दोबारा भी हम आपको उसकी झलक दिखाते हैं। तो इस पहाड़ी की चौकी पर जो है वो सिखों ने चौकी बनाई हुई थी। अच्छा, जो है वो जॉन निकल्सन का जो असर रसूख था वो इतना ज़्यादा था कि जो मुख्तलिफ जो इलाके के सरदार थे, वडेरे थे, वो उसकी हिमायत करते थे। उनमें से जो उसका सबसे बड़ा हामी था उसका नाम था करम खान खट्टड़। वाह, ये पीछे मेरे वाह की आबादी है, शाहजरा दिखाइएगा थोड़ा सा इधर करके, ये जो है वो सारी वाह कंड की आबादी जो है वो आपको नज़र आएगी, टेक्सला और इसके साथ जो है वो वाह कंड है। तो वाह इसी वाकंड का जो नवाब था उसका नाम था करम खान खट्टर। करम खान खट्टर ने जॉन निकल्सन के लिए अंग्रेज़ी फ़ौज से हटकर अपनी सवाबदीद पर, अपने हर्जे खर्चे पर फौजी भर्ती किए, घुड़सवार भर्ती किए और उन्हें जॉन निकल्सन के साथ कर दिया कि वो सिखों को शिकस्त देने में उसकी जो ज़ाती फ़ौज है वो भी अंग्रेज़ फ़ौज के साथ रहे। तो निकल्सन ने अपनी उसी फ़ौज के साथ जो करम खान ने उसे फराहम की थी इस चौकी पर हमला किया। खुद वो ज़ाती तौर पर तलवार और गन लेकर जो है वो इस चौकी में घुस गया और इस चौकी में जितने भी सिख थे उन्हें मार डाला। तो यूँ कह लें कि ये इस जो है पहाड़ी पर या इस जो है वो मोनूमेंट की जगह पर जो मारका जॉन निकल्सन ने लड़ा वो सिखों के ताबूत में आखिरी कील उसने ठोक दी। यानी सिखों का जो इख्तदार था उसका खात्मा इस पहाड़ी से शुरू हुआ था। इस पहाड़ी पर फौजी चौकी खत्म हुई सिखों की और उसके बाद फिर सिख कभी इख्तदार में नहीं आ सके। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये भी हुआ कि उसे 9 महीने के लिए रावलपिंडी का डिप्टी कमिश्नर जो है वो मुकर्रर किया गया। 9 महीने वो रावलपिंडी का डीसी रहा। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि रावलपिंडी में उससे पहले डीसी नहीं होता था, रावलपिंडी उससे पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं था। जॉन निकल्सन रावलपिंडी का सबसे पहला डिप्टी कमिश्नर था। उसके रोबदाब का आलम भी मैं हल्के से आपको बता दूं कि जब वो उसको डीसी बनाया गया तो उसने अपना, उस ज़माने में वो एक बागी था जिसका नाम तारीख में दर्ज नहीं है लेकिन ये कहा जाता है कि वो बहुत जो है वो ख़तरनाक बागी था। उस ख़तरनाक बागी का सर काट कर अपने मेज़ पर सजा लिया, जो डीसी ऑफिस का में उसके साथ जो मेज़ थी उस पर सजा लिया और लोगों को बताता था कि जी मैंने इस बागी का सर काटा है। ये उसकी दहशत का आलम था। उसका मतलब जो डीसी बहुत कम अरसे के लिए रहा, उसके बाद उसको केपी के कुछ इलाकों में, यानी जो उस वक्त NWF में था, कुछ इलाकों में रखा गया और फिर उसे दिल्ली भेज दिया गया। अच्छा, इस तमाम अरसे में करम खान खट्टर ने अपना बेटा जो है जिसका नाम हयात खान था वो इसके साथ किया और उसे ये एडवाइस की कि तुमने जंग के खात्मे तक, जंग तो जारी थी, कुछ यहाँ जारी थी, बाकी जो है वो 1857 में वहाँ शुरू हो गई, इंडिया मेरठ से जो है वो जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ और जंग आज़ादी जो है वो लड़ी जा रही थी। तो उसने हयात खान को ये हुक्म दिया था, एडवाइस की थी, नसीहत या वसीयत जो कुछ भी आप कह लें, कि तुमने जॉन निकल्सन का साथ नहीं छोड़ना। अच्छा, जब 1857 की जंग में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर हमला किया तो 4 महीने तक ये दिल्ली का मुहासरा जो है वो इन्होंने किए रखा। इन 4 महीनों में अंग्रेज़ फौज अंदर दाखिल नहीं हो सकी। इस अरसे में, इन 4 महीनों में 4000 अंग्रेज़ी फौजी मारे गए और दिल्ली के जो 12 दरवाज़े थे, जो पुराना शहर था, उसमें से एक दरवाज़े का नाम था कश्मीरी गेट। तो अंग्रेज़ी फ़ौज का पहला दस्ता जो दिल्ली शहर में दाखिल हुआ वो कश्मीरी गेट से दाखिल हुआ और उस दस्ते की जो क़यादत थी वो जॉन निकल्सन कर रहा था, जो उस वक्त ब्रिगेडियर जनरल के अहदे पर फ़ाइज़ था। हयात खान उसके साथ था।
तो उस जो है वो मूव के दौरान या उस हमले के दौरान इसको गोली लगी जॉन निकल्सन को। ये दिन था 13 सितंबर 1857 का दिन था, और जो है वो 9 दिन ये ज़िंदा रहा, सॉरी 6 दिन ये ज़िंदा रहा, और 23 सितंबर को इसकी डेथ हो गई। आप जॉन निकल्सन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब दिल्ली में मनादी की गई कि जी अंग्रेज़ों के इख्तदार आ गए, तो उसमें 3 जुमले थे। उन 3 जुमलों में क्या था कि जो है वो दिल्ली फतह हो गया, बादशाह को यरगमाल बना लिया गया, और जनरल जॉन निकल्सन हलाक हो गए। ये 3 अल्फाज से जो मनादी वाला ढोल पीट पीट कर पूरी गलियों में, दिल्ली की गलियों में ये बता रहा था कि जी जनरल जॉन निकल्सन जो है वो मारा गया, यानी दिल्ली फतह हो गई, जो है वो बादशाह यरगमाल हो गया, और जॉन निकल्सन मारा गया। इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं, इसका एक पैशन था जॉन निकल्सन का, और दिल्ली में ये इसलिए भी पहले दाखिल होना चाहता था कि ये अक्सर अपने दोस्तों को कहा करता था कि अगर मेरी ज़िंदगी ने वफा की तो एक दिन मैं दिल्ली के तख्त पर ज़रूर बैठूँगा। दिल्ली के तख्त पर तो वो नहीं बैठ सका, लेकिन दिल्ली में दाखिल होने वाला वो पहला अंग्रेज़ ज़रूर करार पाया। ये है उसका पैशन। मरते वक्त जब ये मर रहा था तो इसने जो है वो जो इसके लोग शरीक थे कहते हैं हॉस्पिटल में इसकी डेथ हुई थी, ज़ख्मी हो गया था। हयात खान जो है वो इसे मैदान जंग से निकाल कर ले गया था। तो जब इसकी डेथ हुई, इसने 2 वसीयतें की। उनमें से एक वसीयत ये थी कि मेरे मरने की मेरी माँ को इत्तला ना दी जाए। 34 साल का जवान था ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन, मेरी माँ को मेरे मरने की इत्तला ना दी जाए। और दूसरी वसीयत उसने की कि हयात खान का ख्याल रखा जाए, यानी अगर करम खान खट्टर ने जो है वो इसकी जो है अपना जॉन निकल्सन की हिमायत की या उसका साथ दिया, तो जॉन निकल्सन ने भी मरते वक्त तक करम खान खान और उसके ख़ानदान का साथ नहीं छोड़ा। उसका जो है वो उसकी वसीयत का मान जो है वो इस तरह रखा गया कि हयात खान को बाद में जो है वो पेशावर का थानेदार बना दिया गया, और इसके बाद जो है तलागंग शाहपुर में उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रहीं। और हयात खान को तो शायद आप ना जानते हों, लेकिन जब मैं उसकी औलाद का नाम लूँगा तो यकीनन आपको पता चल जाएगा कि हयात खान कौन था। हम उन्हें जो है वो मुसलमानों के गद्दारों के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के परवरदा थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से फ़ायदे हासिल किए, अंग्रेज़ों से पैसे हासिल किए, मुसलमानों की जासूसियाँ की, और मुसलमानों को मरवाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज करम खान का ख़ानदान बहुत बाइज्जत होगा, उस पर कोई शक नहीं, लेकिन करम खान के ख़ानदान का जो किरदार है वो नहायत शर्मनाक रहा। उसने मुसलमानों को जो कुचल सकते थे जॉन निकल्सन के साथ मिलकर, पहले और बाद में उन्होंने कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी करम खान का बेटा हयात खान, और इसी हयात खान का बेटा सरदार सिकंदर हयात खान। सरदार सिकंदर हयात खान वो बंदा था जिसे अंग्रेज़ों ने उसके बाप और दादे की वफादारी के सिले में मुतहदा पंजाब का वज़ीर आला बनाया। लेकिन थोड़ी सी अकल जो है वो उसकी औलाद को आई, यानी सरदार सिकंदर हयात खान की जो है ना वो औलाद को आई सरदार शौकत हयात खान। सरदार शौकत हयात खान ने अपने बाप और दादे का रास्ता तर्क करके तहरीक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की और कायद आजम के करीबी साथियों में शामिल रहा। उसने पाकिस्तान बनाने में वो किरदार अदा किया, और अच्छा किरदार अदा किया कि शायद इस तरह उसकी मुमकिन है कि उसकी सोच ये हो कि उसके बाप और दादे ने अंग्रेज़ों का साथ देकर मुसलमानों के साथ जो गद्दारी की है, शायद वो उस दाग को धो सके। अच्छा जी, ये तो जो है वो मैंने आपको बता दिया कि हम जॉन निकल्सन के मॉन्यूमेंट पर आए हैं। इसकी डिटेल में अभी आपको बताता हूँ। शाज कहता है आप बहुत बोलते हो, कहते हैं 13 मिनट आप बोलते रहे, आप थकते नहीं। तो इससे पहले कि हम जो है वो इसका मॉन्यूमेंट का मैं इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊँ, सर मेरे साथ हैं अमीन राजपूत। अमीन राजपूत माशाल्लाह खुद अपना चैनल चलाते हैं अमीन राजपूत के नाम, राजपूत के नाम से। हमने इनके साथ पहले भी जो है वो 1-2 विज़िट किए, आपको याद होगा हम टेक्सला भी गए थे। टेक्सला में जो है वो इन्होंने मुझे ये इज़्ज़त दी कि जो इनके जो है वो वीडियो थी उसमें मैंने को थोड़ा सा हिस्ट्री को नरेट किया था। और हमने ये तय किया है कि आज से हम 3 लोगों का हमने एक ग्रुप बनाया है। हमारे अपने अपने चैनल हैं, मेरा गिरानी लॉग्स, अमीन राजपूत साहब का अमीन राजपूत के नाम से, और तीसरा जो है वो सैयद शाज गीलानी। सैयद शाज गीलानी साहब जो है वो ज़रा शर्मा रहे हैं, सामने नहीं आना चाहते। भाई आप भी ज़रा अपनी शक्ल दिखाओ, लोगों को पता चले आप ये पाग रोवर वाले हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू पार्क रोवर। तो मुझे ये दो नंबर ही है, पार्क रोवर नहीं है, गिलानी लॉन्स का हो रहा है। अच्छा, गिलानी लॉन्स का हो रहा है, लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन आपको सबको पता ही है, रेलवे के हवाले से मैं वीडियोस बनाता हूँ और अमीन भाई साथ मौजूद हैं। गिलानी साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है और बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए माशाल्लाह से, अल्लाह इन्हें और तरक्की दे। गिलानी लॉक्स के नाम से चैनल चलाते हैं, अमीन भाई अमीन राजपूत के नाम से चैनल चलाते हैं और मैं पार्क रोवर के नाम से चैनल चलाता हूँ। मेरा चैनल बिलखसूस पाकिस्तान रेलवे को डेडिकेटेड है और मैं प्रमोट करता हूँ पाकिस्तान रेलवे को, लेकिन अमीन भाई और गिलानी साहब जो हैं वो हिस्ट्री के हवाले से बताते हैं सारी तफसील और मुख्तलिफ लोकेशंस पर आपको लेके जाते हैं, विजिट करवाते हैं, उधर की हिस्ट्री बताते हैं और तमाम तर चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन इनके पास होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अमीन साहब असल में जो हिस्ट्री से रिलेट जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बहुत मुश्किल काम है, मतलब इतना आसान नहीं है। हिस्ट्री को मैंने जो महसूस किया है, लोग जाते ज़रूर हैं एंशंट साइट के ऊपर, लेकिन सिर्फ तस्वीरें और कुछ वीडियोस बना करके आ जाते हैं। बात यह है कि हम ये समझते हैं कि हिस्ट्री एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि आज आप जो चीज़ नरेट कर रहे हैं वो यकीनी तौर पे फ्यूचर में लोगों ने देखनी है, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद। तो हमारी अपनी ज़ाती कोशिश ये होती है कि उसको बाकायदा खंगाल के और स्ट्रेन करने के बाद अपलोड किया जाए, ताकि पता नहीं हमारी ज़िंदगी कब तक है कब तक नहीं है। लेकिन जैसे कि ये मॉन्यूमेंट है, तारीख है, आज से तकरीबन कोई 100-150 या 200 साल पहले ये बना, लेकिन आज भी मौजूद है, लोग कहीं ना कहीं इसको आते जाते देखते हैं और हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये वो पत्थर नहीं है, बेसिकली एक तारीख़ है। इससे शायद हमारी अपनी हिस्ट्री का तो इतना लेना देना नहीं है, लेकिन बहरहाल ये तारीख का एक हिस्सा है, एक ऐसा बाब है जिसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को दिखाना मकसद नहीं होता, बेसिकली इन जगहों को हाईलाइट करना, हिस्ट्री इसकी मुकम्मल तौर पे जमा करना और अथेंटिक जमा करना और वो बताना। असल में ये चीज़ होती है कि आने वाले लोग भी इस चीज़ को देखें, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जीटी रोड से ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद एक मीनार है, नहीं, ये एक पूरी तारीख है। तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम उसको भरपूर तरीके से नरेट करें और सही सही चीज़ें बताएं, ताकि देखने वाले देखें भी और साथ में उससे मालूमात भी हासिल करें कि भाई ये भी कोई चीज़ है। खाली किसी अच्छी जगह बैठ के खा लेना या कोई फिल्म देख लेना, अब ये सूखी सूखी सी जगह है, लेकिन इनके भी से तारीख है। तो मेरा अपना ज़ाती राय है और मशवरा भी है कि अपने बच्चों को भी ये चीज़ें लाजमी दिखाएं, ताकि उन्हें भी पता हो कि हम कहाँ से गुजर के आए हैं, क्योंकि आज जो आप उनको अच्छी चीज़ें बताएंगे तो कल उनके जहन में बहुत पॉजिटिव चीज़ें होंगी। बहुत माजरत के साथ जो कुछ चीज़ें शायद मैं कुछ कंट्रोवर्शियल बोल जाऊँ, हम मोबाइल बच्चों को पकड़ा देते हैं, ठीक है पकड़ाएँ ज़रूर, लेकिन इन चीज़ों की तरफ भी रागिब करें, ये प्रैक्टिकल हैं, ये अपने पीछे एक तारीख समोए हुए हैं, और तारीख जब तक पता ना हो तो आगे मुस्तकबिल में ज़रा थोड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे गिलानी साहब को और शाह साहब को जो है वो इजाज़त दें, बाकी ज़्यादा तो मैं नहीं लूँगा। बाकी मैं अमीन साहब की बात को सेकंड करूँगा, इसलिए कि अगर हमें हमारा कल मालूम नहीं ना तो हम उस पर अपना आज तामीर नहीं कर सकते। जब तक हमें ये नहीं पता कि हमारे मकान की बुनियाद जो है वो कितनी मज़बूत है, हम ये फैसला नहीं कर सकते कि ये सिंगल स्टोरी बनानी है या इस पर हमने पूरा प्लाजा खड़ा करना है। अमीन साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम अपने माजी से वाकिफ नहीं होंगे तो हमें नहीं पता कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। हम ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये सदियों की बात है। ये जितनी कौमों ने तरक्की की है, इन्होंने अपने माजी से सबक सीखा है, और अफसोस की बात यह है कि हम पाकिस्तानी जो है वो इस मामले में बिल्कुल खोरे हैं। ये चले खैर, भारत ये पीछे जो है वो ये कोई लाश नहीं है, ये कोई जो है वो साहब लेटे हुए हैं। तो इसी लाश की मुनासबत से मैं आपको जो है वो जॉन निकल्सन की शख्सियत का एक और पहलू बता दूँ। ये तो मैं आपको बता चुका कि फ़ौजी भी था, मुबल्लिग भी था, जो है वो जो है अपना एक ज़ालिम इंसान भी था, लेकिन वो अपने अहद का इंसान था। ये उसकी एक क्वालिटी थी कि वो जो मतलब अपने अहद में वो जैसे ज़िंदा रहा वैसे और कोई शख्स ज़िंदा नहीं रहा। अलेक्जेंडर जो है वो 33 साल 6 महीने में जो है वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन दुनिया में अपना नाम छोड़ गया।
दुनिया और तारीख आज भी उसे फातह आलम या फातह आज़म के नाम से जानती है। सेम कंडीशन जान निकल्सन की थी। ये 34 साल जिंदा रहा, यानी अलेक्जेंडर से कुछ 6 महीने ज़्यादा, लेकिन इसे कहा जाता है कि ये एक अफसानवी किरदार था, एक करिश्माती शख्सियत थी। इसमें कोई शक नहीं कि जो है वो दिमागी मरीज़ था। उसको जो है वो इम्पीरियल साइको के नाम से भी जाना जाता है। और इम्पीरियल साइको वो क्यों था? उसकी ये ख्वाहिश थी कि सिर्फ बरेसगीर पाको हिंद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिस्तान के बादशाह की हुकूमत होनी चाहिए। और वो जितना अरसा ज़िंदा रहा वो इसके लिए काम करता रहा। उसने जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने बादशाह के इख्तदार का झंडा ऊंचा करने में भी कोई जो है वो कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, लेकिन मज़े की बात यह है कि 1849 में जब वो हयात था तो कुछ लोग जो है वो उसकी शख्सियत से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने उसे अवतार मानना शुरू कर दिया। और जो है वो अपनी ज़िंदगी में ही अवतार बन गया था। हिंदुओं का कहना ये था कि वो ब्रह्मा का अवतार था, और ब्रह्मा जो है वो इनकी जो है वो त्रिशूल या अपना ये जो बदलती रहती है जो तुकोन है देवताओं की, लेकिन ब्रह्मा देवता जो है वो आज भी और पहले भी जो मतलब एंशिएंट जो दौर था उसमें ब्रह्मा देवता जो है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा देवता रहा है, और बाकी सारे के सारे उसके अवतार कहलाते हैं। तो हिंदू ये कहा करते थे कि ये ब्रह्मा देवता का अवतार है। सिखों को ख़त्म करने में, उनका इख्तदार ख़त्म करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आपको इस सुनकर ये हैरत होगी कि सिख भी इसके परस्तार थे, इसके पुजारी थे। वो इसे जो है वो निकल सिंह कहा करते थे, निकल्सन नहीं कहते थे। इसी तरह हिंदू, जिनसे वो शदीद नफरत करता था और उसने हिंदुस्तान से हिंदुओं को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो मतलब जाहिर सी बात है हिंदू थे इतने ज़्यादा कि वो उसे एक बंदे से ख़त्म नहीं हो सकते थे। हिंदू इसे निकल सिंह कहा करते थे। ये तो थी हिंदुओं और सिखों की बात, लेकिन हमारे मुसलमान भाई भी कुछ कम नहीं थे। ये जिन अफगानों का मैंने जिक्र किया आपसे और NWFP का जो सूबा उसने बनाया, उसके लोगों ने इसकी बाकायदा पूजा शुरू कर दी और इसे जो है वो अवतार का दर्जा दिया। ये इससे निर्वाण हासिल किया करते थे। इन्होंने अपने गले में जो है वो मालाएं ये पहनते थे, गिरवे रंग का के कपड़े होते थे, फ़कीराना लिबास था इनका, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियाँ होती थी। और ये जो है वो उसके दरवाजे पर आकर बैठ जाया करते थे। जो हिंदू थे वो भजन गाया करते थे, जो मुसलमान थे वो नाते पढ़ा करते थे। वो ये समझते थे ये शायद कोई अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता है जो हमारी इस्लाह के लिए आया है। तो ये वो जान निकल्सन की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू थे जो मतलब उसको बाकी अंग्रेज़ी फौजी अफसरों में मुमताज़ करते थे। तो मतलब फौजी अफसर एक तरफ, वाले एक तरफ, वो अवतार भी था। अब ये था या नहीं था ये तो बाद की बात है, लेकिन आज भी, अब तो खैर वो दौर गुजर गया, लेकिन ये कहा जाता था कि आज से कोई 50 साल पहले तक इस जो है वो मोनूमेंट के जो है वो इर्द गिर्द भी गले में लोग बहुत सारी भारी मालाएं डाले और गंदे कपड़े पहने हुए, चूहे पहने हुए बहुत सारे लोग मिल जाया करते थे और वो कहते थे हम अवतार हैं जान निकल्सन के। अच्छा जी, हम जो है वो इस मोनूमेंट के बिल्कुल अंदर खड़े हैं। ये चबूतरा जो है वो आप देख रहे थे और उसके ऊपर जो मीनार बना हुआ है वो भी आपने देखा। कुछ एक लोहे की सीढ़ी लगी हुई है, उस लोहे की सीढ़ी से जो है वो ये ऊपर आते हैं। एक कमरा है और इस वक्त जो है वो ये कमरा बिल्कुल खाली है। अल्लाह जाने कि पहले इसमें क्या होता था, लेकिन अब इसकी छत पर बहुत सी चमगादड़ें हैं, अंधेरा है, शाज दिखा नहीं सकेंगे। अगर नज़र कुछ आए आपको चमगादड़ तो आपको याद है अटक फोर्ट के वीडियो में भी हमने आपको बहुत सारी चमगादड़ें जो है वो दिखाई थी। तो ये यहाँ वो खासी ऊंचाई है। अच्छा, एक जो है वो लोहे की सीढ़ी मज़ीद ऊपर जा रही है। ये तो अल्लाह जाने कहाँ जाकर ख़त्म होती है, ना इसके ऊपर चढ़ने का रिस्क लेंगे। ये सामने जो है वो एक जो है वो तख्ती लगी हुई है जिस पर जो है वो लिखा हुआ है काबुल में 1840 में ये रहा, पहली सिख वार जो है वो 1845 में लड़ी गई, और जो है वो सेकंड सिख वार 1848 में, और सिपाही म्यूटिनी ये 1857, यानी हम तो उसे जंग आज़ादी कहते हैं लेकिन अंग्रेज़ जो है उसे गदर का नाम देते हैं, गद्दारी का नाम देते हैं। ये जो है वो मोनूमेंट 1857 में उसकी डेथ हुई और उसके जो है वो 11 साल बाद 1868 में तामीर किया गया था। कर्नल ए टेलर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है इन्होंने इसको मिलकर जो है वो तामीर किया और डेडिकेट किया ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन CV के नाम। तो ये जनाब इसका अंदरूनी हाल है और ये ऊपर जो है वो बिल्कुल तारीकी है। ये हाल है हमारा
कि हम अपने माजी को किस तरह जिंदा रखते हैं, किस तरह याद रखते हैं। बाहर जो है ना वो किसी ज़माने में एक फव्वारा भी था और जो है वो एक छोटा सा बाग भी बनाया गया था, लेकिन अब तो ना बाग है ना फव्वारा है। और अगर ये भी खड़ा है मीनार तो मेरा ख्याल है इसमें भी हमारा कोई कमाल नहीं है। कोई जल्जला इसे गिरा नहीं सका, कोई सराब इसे बहा कर नहीं ले जा सका, कोई जो है वो हवा से इसका कुछ जो है वो कोई टूटा फूटा नहीं, मतलब हमारी कोई कोशिश नहीं है कि ये मीनारा खड़ा रहता। वैसे हम अंग्रेज़ों की बनी हुई बिल्डिंगों को अपनी इमारतें कहकर बड़ा फख्र महसूस करते हैं। तो भाई ये यादगार है, मान लिया कि जॉन निकल्सन जो है वो आपका दुश्मन था, पाकिस्तान का दुश्मन था, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान तो खैर बना ही नहीं था उस ज़माने में, लेकिन हिंदुस्तान का दुश्मन था, लेकिन अगर वो छोड़ गए तो ये विरासत तो है। जैसे अमीन साहब ने ये कहा कि हमें जो है वो अपने बच्चों को अपनी तारीख बतानी चाहिए, उन्हें यहाँ लाना चाहिए ताकि वो देखें कि हमारा कल क्या था और हम उस कल की हिफाजत कैसे करते हैं। हम तो अपने आज की हिफाजत नहीं करते। सड़क बनती है, तीन दिन बाद चार दिन बाद वो टूट जाती है, लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो इन इमारतों का पुरसाने हाल कोई नहीं। अगर तो ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों के पास है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको रेनोवेट करें, और अगर किसी और डिपार्टमेंट के पास है तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारी यादगारें हैं, इन्हें यादगार बनाएँ, इन्हें मकबरे ना बनाएँ प्लीज़। नाज़रीन, जॉन निकल्सन का मेमोरियल जो है वो आपने देखा, निकल्सन अब्लेसिक या निकल्सन मॉन्यूमेंट, ये मेरे लेफ्ट साइड पर जो है वो नज़र आ रहा होगा आपको। जॉन निकल्सन की हिस्ट्री और इस मॉन्यूमेंट की जो भी आपने जो है वो वीलॉग मेरा देखा, लेकिन यहाँ आने का एक फ़ायदा और हुआ। वो फ़ायदा ये हुआ कि मैं ख़ुद को तारीख का तालिबे इल्म कहता हूँ और मुझे ये एहसास हासिल हुआ कि मैंने आज तारीख के सीने पर सफ़र किया है। और वो तारीख के सीने पर सफ़र यूँ किया है कि ये जो पथरीली आप ज़मीन देख रहे हैं, जो ये जो पत्थर की बनी हुई जो है वो आप एक पगडंडी सी देख रहे हैं, ये कोई पगडंडी नहीं है, ये वो जरनैली सड़क है जिसे जो है वो शेरशाह सूरी ने बनाया था। ये वो असल सड़क है जो पेशावर से शुरू होती थी और कलकत्ता तक जाती थी। आज देखें कि यहाँ सिवाय पत्थरों के कुछ नहीं रह गया। एक ज़माने में यहाँ घोड़ा गाड़ियाँ चला करती थी, घोड़े सफ़र किया करते थे, तिजारती कारवान सफ़र करते थे, और आज हमें जो है वो पैदल चलना इस पर मुहाल है। तो जॉन निकल्सन की मेमोरियल की मेहरबानी कि हमने जो है वो तारीख को बहुत करीब से देखा। ये पुरानी सड़क है, जो है वो शेरशाह सूरी ने लगभग 1400 ईस्वी में इसे बनाया था, यानी 500 साल पहले की सड़क पर जो है वो हम चल रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जो है वो हमारे आगे या पीछे कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी के जो है वो घोड़े, उसकी फ़ौज, उसके सिपाही, उसके हाथी और उसका जंगी साजो सामान हमारे साथ जा रहा है। आज हम अकेले हैं, ये सड़क वीरान है, लेकिन कभी इस सड़क से जो है वो रौनकें गुज़रा करती थी, कभी इस सड़क पर जो है वो काफ़िले गुज़रा करते थे, काफ़िले गर्द की कारवां में दब गए, जो है वो काफ़िले कहीं जो है वो गर्द में जो है वो दफन हो गए, लेकिन ये पत्थर जो है वो ये आज भी बाकी हैं। हमने टेक्सला की एक वीडियो बनाई थी जिसमें शाज़ ने एक जुमला कहा था कि इन पत्थरों की ज़बान होती तो ये अपनी दास्तान खुद सुनाते, तो आज मैं भी वही जुमला दोहरा रहा हूँ कि इन पत्थरों पर पता नहीं कितने बादशाह गुजरे, कितने जरनैल गुजरे, कितने लोग गुजरे, काश के इन पत्थरों की ज़बान होती तो ये जो है वो आपको अपनी कहानी खुद सुनाते। इससे आगे कुछ बोलने का दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि जो है वो तारीख बेशक कल की कहानी होती है, लेकिन तारीख अपने अंदर बहुत कुछ लिए होती है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि हम तारीख के अंदर मौजूद हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें भी इजाज़त दीजिए, कल को हमने भी तारीख का हिस्सा बन जाना है। आज का जुग्राफिया कल की तारीख है, आज का हाल कल का माजी है, आज हम जिंदा हैं कल नहीं होंगे, लेकिन ये तारीख जो है वो ये ज़रूर ज़िंदा रहेगी। बिल्कुल इसी पथरीली शाहराह की तरह, इस पथरीली सड़क की तरह जो आज भी जरनैली सड़क कहलाती है। जदीद दौर और जदीद सड़कें बन गई, लेकिन इसकी अहमियत जो है वो कम नहीं हुई। ये तारीख में हमेशा दफन नहीं रहेगी, तारीख में ज़िंदा रहेगी। तो मैं भी ज़िंदा रहना चाहता हूँ, अपने वीलॉग्स के हवाले से, अपनी बातों के हवाले से, अपनी तारीख बताने के हवाले से। मैं तारीख बनाता नहीं, मैं तारीख बताता हूँ।
तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर किसी तारीखी जो है वो उस मोनोमेंट के साथ या तारीखी मकाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल इसी तारीख में ज़िंदा रहने दें मुझे, जहाँ मैं हूँ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।